ये खड़ी है जी बेंच, इसके ऊपर इस ट्रैक्टर को लोड करना है। इसको बाहर निकालने के लिए हम आए हैं जी। दो टन बता रहे हैं जी, कंफर्म नहीं है। ये हमारा इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं नाज़रीन आपको कुवैती व्लॉग्स चैनल में। मैं हूं अबू उमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। ये खड़ा है जी नीचे हाफर के अंदर ट्रैक्टर, इसको बाहर निकालने के लिए हम आए हैं जी। जब भी कोई नया घर बनता है यहाँ तो इस तरह नीचे जो है वो हाफर की जाती है, और ये जो बड़े बड़े गड्ढे उन्होंने खोदे हैं इनके अंदर इस जगह पे लिफ्ट बनेगी, और दूसरे जो हैं वो फाउंडेशन नीचे से मजबूत करके लेके आ रहे हैं। कई घर वाले जो हैं वो अक्सर जो है वो बनाते हैं जी स्विमिंग पूल, तो उसकी गुंजाइश भी बुनियादों के अंदर ही रखी जाती है। एक क्रेन लगा रहे हैं हम, देखें हाफर से जो है काफ़ी दूर रख के हम लगा रहे हैं। हवा भी काफ़ी चल रही है आज। ये खड़ी है जी बेंच, इसके ऊपर इस ट्रैक्टर को लोड करना है। बेल्ट के साथ हम उठा रहे हैं। तकरीबन 2 टन से 2.5 टन तक जो है वो इसका वजन होता है। कितना वजन है दा? 2 टन। 2 टन बता रहे हैं जी, कंफर्म नहीं है। अगला जैक भी लगाना है, अगले जैक के नीचे लगा पैकिंग। ये साथ में स्कूल है जी, इसका नाम देखें इंसान नर्सरी स्कूल। इसकी दीवार के साथ बिल्कुल ये नया घर बन रहा है जी। ओके, ये रखना तो हमने नीचे ही था, लेकिन ये भाई कहते हैं जी मेरी गाड़ी के ऊपर ही लोड कर दो।
ओके। ये एक बेल्ट जो है इसकी 3 टन कैपेसिटी होती है और हमने डबल बेल्ट लगाया था और बिल्कुल आराम से ये हम उठा सकते हैं। अब ये बेल्ट सिंगल बेल्ट की कैपेसिटी 3 टन की थी और हमने डबल लगाया था और उनको भी डबल डबल किया था, तो इस तरह जो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये साथ में कुवैत का 30 नंबर रोड है जी, झंडा भी हमने माशाल्लाह कुवैत का लगाया हुआ है। ये हमारा इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से, अभी हमने निकाल दिया और अभी जा रहा है खुश खुश, बाय बाय करता हुआ।